गाजीपुर से आर्यन सिंह पत्रकार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के बैनर तले 56वां महापंचायत। मनिहारी गाजीपुर क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय के परिसर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के बैनर तले 56वां महापंचायत की गई। महाराणा प्रताप व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शेर सिंह राणा ने समाज के संगठन पर बल देते हुए प्रमुख बिंदुओं को प्रमुखता से उठाते हुए क्षत्रिय समाज के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया। कहा कि चाहे देश या किसी प्रदेश की कोई पार्टी जब भी सत्ता में आती है उसमें क्षत्रिय समाज समर्थन होता है। जब हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएंगे सरकार मजबूर होकर हमारे बातों पर अमल करेगी। कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने मान सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक मंच पर आ जाएं, ताकि हमारा वजूद कायम रह सके। कहा कि समाज में हम भाईचारे का संदेश देते लोगों के सुख दुख में भागीदारी निभाएं, यही क्षत्रिय समाज का सामाजिक दायित्व है। गिले शिकवे भूलकर सामाजिक समरसता स्थापित करें। और कहा कि हम भी सभ्य समाज के अगुओं में से हैं। सभा में कहा कि शौर्य व पराक्रम का परचम लहराने वाले प्रभु श्री राम व महाराणा प्रताप के आदर्शों व उनकी जीवन कृतियों के आत्मसात कर उनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का काम करें। क्षत्रिय समाज को एकजुट करके दशा और दिशा बदलने की जरूरत है। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक टीम के द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण व अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में राकेश तवन प्रभारी दिल्ली, विक्रांत सिंह राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राजीव सिंह राष्ट्रीय सचिव, अखिल सिंह राष्ट्रीय सचिव, जन्मेजय सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, टिंकल सिंह प्रदेश महामंत्री, आनंद सिंह प्रदेश सचिव, भोला सिंह मंडल उपाध्यक्ष वाराणसी, अभय सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता, रवि सिंह कौल आदि प्रदेश महामंत्री, प्रदेश व जिला संरक्षक नीलू सिंह, जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह, अविनाश सिंह, वैभव सिंह, अजय सिंह, चंद्रशेखर सिंह, ब्रिजेश सिंह, भूपेंद्र सिंह, सुमित जय सिंह, अभय सिंह, अंकित सिंह ऋषु, नवनीत विभोर सिंह, रौनक सिंह, अमृत सिंह, सत्यम सिंह, सुधांशु सिंह, रोहित सिंह, अमन सिंह, नंकू सिंह, शेषनाथ सिंह, आर्यन सिंह, मनीष सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अध्यक्षता सेवानिवृत्त डीपीआरओ अंबिका सिंह व संचालन अविनाश सिंह ने किया। अंत में जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। मेरे बारे में भी उन्होंने अपनी जो जानकारी है वो उसमें लिखी है, उसके लिए मैं बाबा का बहुत बहुत चरण वंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। देखिए मुझसे पहले बहुत सारे वक्तागण अपनी अपनी बात रखे जा चुके हैं और काफी सारे पहले काफी भीड़ थी, अभी उसमें से कुछ लोग चले गए। एक वाक्य जो है मैं हरियाणा की राजनीति का बताता हूं आपको कि जो चौटाला जी है तो जब वो किसी पद पर नहीं थे तो बैठे हुए थे तो कुछ लोग उनसे मिलने के लिए जब 2 घंटे हो गए 3 घंटे हो गए तो उन्होंने कहा मिल लीजिए आप तो बैठे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जो 3 घंटे में बैठेगा वही अपना है, वही उससे प्रेम करता है और तो फिर शक्ति बना है। तो जिस तरीके से किसी चीज को पिरोने के बाद सर्वोच्च चीज जो है वो आखिरी में ही बचती है। अगर आप दूध पिलोएंगे तो जो है